कहा कि मंडी में कवर्ड सेट बनने से बारिश के वक्त कारोबार प्रभावित नहीं हो पाएगा और किसानों का कृषि जींस में बरसात का खराबा भी नहीं होगा। देवल ने 4.5 साल के दरमियान क्षेत्र में करवाए गए विकास कार्यों का विस्तार से जानकारी देकर लोगों को बचे वक्त में ज्यादा से ज्यादा फायदा लेने की बात कही। अपनी जबान का पक्का होता है व्यापारी, कमिटमेंट जो व्यापारी करता है, और व्यापारी हमेशा सहयोग करता है हर व्यक्ति का, और सुख दुख दूसरे का सुख दुख अपना सुख दुख मानता है। मैं किसान का बेटा हूं, मैं खुद खेती करता हूं, तो मैं आपकी पीड़ा जानता हूं। बाजार में 3600 रुपए का भाव था, हम लोगों ने अपने यहां पर सेंटर खुलवाया, 4000 में हमारा रायडर तुला, 4050 में कांति भाई ने बोला कि रायडर तुला। फिर एक समस्या आई कि जमाबंदी होगी तो ये ऑनलाइन होगी। मैं जयपुर गया और मंत्री जी से मिला कि पटवारियों की पूरे राजस्थान के अंदर हड़ताल चल रही है, जमाबंदी कहां से मिलेगी, तो क्या आप सुझाव बताओ। मैंने कहा कि आप गिरदावरी कहां से मिलेगी, तो उन्होंने कहा सुझाव दो। मैंने कहा आप जमाबंदी ले लीजिए और जब किसान आपका अनाज तुलवाने आता है तब आप गिरदावरी ले लीजिए। पूरा सर्कुलर आपके विधायक के कहने से राजस्थान के अंदर लागू हुआ, और मैं आपको फक्र के साथ कह सकता हूं पूरे राजस्थान में 5-6 बातें ऐसी थी जो पूरे राजस्थान में हम लोगों ने नियम बनाया, तो वो सारे सकारात्मक सुझाव आप लोगों के माध्यम से आते हैं। जो जीरो ब्याज की बात करते हैं कि साहब हमने चालू किया, 5-4 साल एक रुपया नहीं दिया, और चुनावी वर्ष में 50,000 करोड़ रुपए बांटे, 50 करोड़, और इस सरकार ने इस वर्ष 61,000 करोड़ रुपए बांटे और इस साल 81,000 करोड़ रुपए सोसाइटी के माध्यम से आप लोगों को लोन देंगे। नौटंकी अपेक्षा का मारवाड़ी नाटक करवा रहा बहुत आदि है, नर्मदार पौड़ी आई तो बड़ा वो पेट टूट गए। एसडीएम साहब ने कहे पूरा रानी वाला खराब पौड़ी आवे रही है। तो एक बार आप डॉक्टर साहब ने पूछे, आप लोगों ने पूछे हो कि पौड़ी कहो आवे के साथ बहुत बढ़िया आवे, तो कम से विपक्ष को भी मैं ये कहना चाहूंगा कि कभी तो हमारी पीठ थपथपाओ कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। वो आरोप लगा रहे कि आनंद फानंद में जल्दबाजी में राणीवाड़ा के अंदर पानी दे दिया, वो दे दिया। एसडीएम साहब ने उसी दिन उस पानी को टेस्ट कराया और रिपोर्ट आई कि ये पानी ठीक है। तो मेरे कहने का तात्पर्य भाई, कमी हो सकती है, विपक्ष का काम है हमें सकारात्मक सुझाव दे, अच्छी बात दे। भैरू सिंह जी विपक्ष में थे, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, हमेशा अच्छी बात करते थे, कांग्रेस भी उनकी वाहवाही करती थी, परंतु अटे तो मारवाड़ी में गए गए पूर्व बिजली घर है, जो बात कहोगे कोई भूई नहीं। एक वीडियो देखा कि सड़कें नहीं है, मैं कह साकड़ से टिटोब गया और गुंदाऊ से शेरडी आ गया। अरे भला आदमी, आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं, चाह 5 साल का इतिहास आपका उठा के लिया हो सड़कों का और 5 साल का मेरा इतिहास ले लो। अभी मैंने 225 किलोमीटर सड़कें सेंक्शन कराई है 33 करोड़ की। तो ऐसे बहुत सारे काम हो रहे हैं। तहसील भवन हमारा जर्जर था, 2.5 करोड़ की स्वीकृति दी है, 9 तारीख को हमारे राजस्व मंत्री जी ने उसका समय भी दिया है। और हमारे यहाँ की मुख्य मांग है, हमारे पत्रकार बंधु बैठे हैं, एक दिन मुझे ये टटोल रहे थे कि विधानसभा के अंदर आप अपनी क्या बात रखोगे, सभी बैठे हैं। तो मैंने कहा कि जनता के मुद्दे जुड़े हुए मुद्दे मैं विधानसभा में निश्चित तौर से रखूंगा, तो के साथ कॉलेज लाने का प्रयास होगा। मैंने कहा प्रयास करेंगे, तो फिर थोड़ी मेरे मुंह के अंदर उंगली डाली इन लोगों ने कि प्रयास ही होगा कि स्वीकृत भी होगी, तो मैंने कहा कि इसको आप स्वीकृत माने। फिर जो हमारा बिजली बोर्ड का ऑफिस था, एक्शन ऑफिस साचौर में था,
राम साहब जी बैठे हैं, फिर अब ये प्रयास होगा कि हकीकत है कि मैं बोलता कम हूं और काम अधिक करता हूं, प्रयास हमारा रहेगा। और जो असंभव चीज थी हमारा बिजली बोर्ड का एक्शन ऑफिस, जो आप लोग सांसद हमेशा काम के लिए जाते थे और वहां पर हम लोगों को बार बार आना जाना पड़ता था, इस चबूतरे की आज आप देख रहे हो जहां पर आप विराजमान हो, इस चबूतरे को बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि किसानों का नीलामी में किसी प्रकार से बारिश के दौरान या कोई भी प्रकार से उनका सामान या उनका जो भी खाद्य सामग्री या किसानों के द्वारा जो अनाज है वो नष्ट नहीं हो, खराब नहीं हो। SDO हनुमान सिंह राठौड़ ने कहा कि कुदरती जलजले में किसानों की फसली नुकसान की राहत राशि काफी किसानों के बैंक खातों में जमा करवा दी गई है। अभी भी ये क्रम जारी है, शेष बचे किसानों को भी लाभान्वित किया जाएगा। राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार शिविर लगाकर आमजन की समस्याओं का समाधान करने गांव-गांव आ रही है, सरकारी योजना का पूरा लाभ लेने की उन्होंने अपील भी की। भाजपा मंडल अध्यक्ष शुभ सिंह परमार ने कहा कि मंडी कार्यालय को आधुनिक तकनीक से जोड़ने एवं यार्ड को धूप व बरसात से बचाने के लिए शेड बनाने के लिए विधायक की हम आभारी है। उन्होंने कहा कि विधायक ने जो विकास के वायदे किए वो पूरे किए हैं, नर्मदा का पानी हो या सड़कों का जाल, उन्होंने कार्य कराने में कोई कंजूसी नहीं बरती है। भाजपा जिला महामंत्री मुकेश खंडेलवाल ने राज्य व केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मोदी व वसुंधरा राजे सरकार ने विकास की गंगा बहाने में कोई कसर नहीं रखी है। नर्मदा के पानी को रानीबाड़ा से जसुनपुरा तक पहुंचाना सबसे बड़ी उपलब्धि है। मंडी सचिव जय किशन बिश्नोई ने बताया कि कवर्ड साइड पर 31.80 लाख एवं कार्यालय भवन विस्तार पर 27.36 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। इसी तरह रानीवाड़ा मंडी क्षेत्र के विभिन्न गांवों में कृषि कार्य करते हुए मौत होने या अंग भंग होने पर 5 जनों को 4.25 लाख रुपए के चेक विधायक व SDM सहित मेहमानों के द्वारा वितरित किए गए हैं। इस मौके पर डॉक्टर घेवरचंद डागा, मुकेश खंडेलवाल, हरीश सिंह देवल, लवजी राम, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष वक्ताराम चौधरी, ललित जोशी, भूप सिंह सरपंच, कांतिलाल महेश्वरी, निम्बाराम पुरोहित, जय किशन बिश्नोई, तगाराम खत्री, श्यामलाल भट्ट, कालूराम माली, लीलाधर करड़ा, अशोक कुमार करड़ा, भलाराम चौधरी, आसूराम देवासी, रामलाल खंडेलवाल, मोड़ सिंह, बाबूलाल चौधरी, राजाराम माली, ताराराम माली, गमनाराम माली, भिखाराम मोदी, नरपत सिंह, विजय कुमार, लादूराम पुरोहित, जयरूपाराम पुरोहित, भरत कुमार महेश्वरी, गोविंद सिंह, हरीश कुमार आजना, छगनाराम प्रजापत, शंकर पटेल, देवाराम पटेल, प्रेमाराम माली, रमेश पुरोहित, सोपाराम पुरोहित, रमेश महेश्वरी, हरमत सिंह, जोधाराम मालवड़ा सहित कई जने उपस्थित थे।